हेलो क्लास 11th स्टूडेंट, वेलकम बैक। दिस इज द वीडियो नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट अर्ली एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट सम अर्ली एक्सपेरिमेंट। इन द अर्ली एक्सपेरिमेंट वन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जोसेफ प्रीस्टले 1733 to 1804. In the year 1770, Joseph Priestley proved the role of air and discovered oxygen gas in the process of photosynthesis. Students, you can see here, what is the essential role of air proved by Joseph Priestley and discovered oxygen gas in 1774. He conducted an experiment and took one bell jar, one candle, and one live mouse. He kept all the things together. After that, by the burning of this candle, due to suffocation होने की वजह से this mouse become die. You can see here. एक्सपेरिमेंट सेट बाई जोसेफ प्रीस्टले लाइक दिस। एक कैंडल उन्होंने लिया, एक चूहे को लिया और एक बेल जार के अंदर इसको रख दिया और कैंडल को बर्न कर दिया। इसके अंदर कैंडल के बर्न होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, साथ ही साथ इस एनिमल ने जो इसके अंदर का ऑक्सीजन था उसको कंज्यूम कर लिया और CO2 रिलीज किया। इसके अंदर इस बेल जार के अंदर सफोकेशन हुआ, सफोकेशन की वजह से ये चूहा मर गया। तो आप देखेंगे नेक्स्ट फिगर में ये कैंडल भी बुझ गई और ये चूहा भी मर गया, माउस इज डाइड। लेकिन इसके बाद इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कैंडल को इन्होंने बर्न किया, चूहे को उसके अंदर रखा और एक मिंट का प्लांट, दिस इज द मिंट प्लांट, एक मिंट का प्लांट इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या होगा, आप यहाँ देखेंगे माउस इज लाइव, यहाँ पे चूहा जिंदा है, कैंडल भी जल रही है और ये मिंट का प्लांट एज इट इज यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि माउस बिकम लाइव और यहाँ पे क्या हुआ कि माउस इज डाइड। हियर ड्यू टू सफोकेशन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हियर माउस इज बिकम डाइड, बट हियर दिस प्लांट इज डू द फोटोसिंथेसिस and release oxygen gas, and this oxygen is used by this animal as well as burning of this candle too, and the carbon dioxide released by each animal and this burning of candle is consumed by plant, so the photosynthesis takes place and discovery of oxygen takes place in the this process. So we can say that Priestley proved that there is role of oxygen gas in the process of photosynthesis and the mouse is live. Okay, so this is the Priestley experiment done in the year 1770. So students, this is about video number 2, early experiment done by Joseph Priestley. In my next video, I will discuss about some other scientist who is doing their work in the field of photosynthesis.